अब देखो भाई, एक बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि जहां पर भी सॉलिड लैपटॉप्स के बारे में बात होती है वहां पर डेल का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और डेल का गेमिंग लैपटॉप हमारे पास आए और उसका रिव्यू ना हो ये मैं होने नहीं दूंगा। तो ये है डेल का G15 5511 जो कि इंटेल के 11th जेन प्रोसेसर के साथ आता है, और इस लैपटॉप को मैं डिटेल्ड में आज रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि इस लैपटॉप में पर्सनली पिछले 2 महीने से लगातार अपने डेली ड्राइवर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। अब यहाँ पर क्योंकि डेली ड्राइवर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ तो लगभग डेली जो काम होते हैं वो तो मैं करता ही हूँ, इसके अलावा हैवी टास्क जैसे कि जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं वैसे एडिटिंग करना, इसके अलावा वेबसाइट मैंने इस पर डेवलप करी है उसमें मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, गेमिंग के अंदर कितने FPS देखने को मिलते हैं, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऑटो कैड या फिर कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर आप चलाना चाहते हैं प्रोडक्टिविटी या कंटेंट क्रिएशन वाला, सभी तरीके के टेस्ट मैंने पिछले 2 महीने के अंदर कर लिए और मेरे जैसे बंदे के लिए 2 महीने मोर देन इनफ है। तो बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है क्योंकि मैं यूज़ कर रहा था, तो एक तरह से आपकी खुशी के लिए मैं अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। मेरे पास जो ये लैपटॉप है वो एक डार्क शेडो कलर के साथ आता है, और यहाँ पर आपको 180 वॉट का फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक पावर केबल है और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार सारी स्पेसिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि रिव्यू में आपको कोई भी बात आधी अधूरी ना लगे। अब वैसे मैं इंटेल के कोर i5 11 जेन वाला लैपटॉप लेना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा पुश किया और यहाँ पर मैंने बाय किया 11 जेन इंटेल कोर i7 प्रोसेसर वाला लैपटॉप, और इसको सिलेक्ट करने के मेरे कुछ खास रीजन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये प्रोसेसर अब ज्यादा अच्छे तरीके से ओवरक्लॉक को मैनेज करता है पर कोर वोल्टेज कंट्रोल के साथ, और यहाँ पर आपको इंटेल की एक्सट्रीम ट्यूनिंग यूटिलिटी भी देखने को मिलती है विद इंटेल के स्पीड ऑप्टिमाइजर के साथ। बाकी यहाँ पर आपको इंटेल का टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है जो कि आइडेंटिफाई करता है बेस्ट परफॉर्मिंग कोर्स को और बूस्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को। अब इस लैपटॉप के ऊपर ना सिर्फ मैंने गेमिंग करी उसको रिकॉर्ड भी करा और स्ट्रीमिंग भी मैंने यहाँ पर करी, कैसी परफॉर्मेंस और FPS देखने को मिले वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। लेकिन एक चीज जो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ वो है Wi-Fi 6 का सपोर्ट, और उसकी वजह से डेफिनेटली गेमिंग एक्सपीरियंस काफी इंप्रूव हुआ है, काफी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एक चीज और आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, फ्रंट को छोड़ के बाकी तीनों साइड्स पे आपको भर भर के पोर्ट्स जो देखने मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड की बात करूं तो आपको 2 हाई स्पीड 2.0 के पोर्ट देखने मिलते हैं जिनमें से एक जो है वो पावर शेयर के साथ आता है, मतलब कि लैपटॉप अगर आपका बंद भी है तब भी अगर आपको फोन वगैरह चार्ज करना है तो इजीली आप उसको चार्ज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक RJ45 कनेक्टर देखने को मिलेगा, उसके ठीक साथ में आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है। बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर USB 3.2 Zen 1 का Type-C पोर्ट आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको डिस्प्ले पोर्ट भी देखने को मिलता है ऑल्ट मोड के साथ, और साथ में आपको एक USB 3.2 का एक और पोर्ट देखने को मिलेगा, एक फुल साइज HDMI का पोर्ट है और उसके ठीक साथ में आपको पावर पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अच्छा, पर्सनली मुझे एक बात जो काफी पसंद आती है, जो मेन पोर्ट है वो आपको पीछे की साइड दिए हुए हैं, तो ऐसे में जब मैं लैपटॉप के ऊपर काम करता हूँ तो मुझे कोई भी वायर जो है वो नजर नहीं आती, तो पीछे से ही सारी वायर जो है वो चली जाती है, और सामने जब मैं काम करता हूँ तो काफी नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस मेरे को होता है। और जो डिस्प्ले सामने दिखता है वो है 15.6 इंच का, ये एक फुल HD डिस्प्ले है जहां पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, और ये हायर रिफ्रेश रेट का फायदा आपको गेमिंग के अंदर भी होने वाला है। ब्राइटनेस की बात करूं तो यहाँ पर 250 nits की ब्राइटनेस है। इस लैपटॉप को हमने इंडोर में और आउटडोर में दोनों ही जगह पर इस्तेमाल करा और दोनों ही जगह पर विजिबिलिटी की हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। एंटी ग्लेयर स्क्रीन है तो अगर आप काफी देर तक लैपटॉप पे काम करते हैं तब भी आपकी आंखों पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। और अगर हम बेजल्स की बात करें तो बड़ी स्क्रीन होने के बावजूद 3 साइड्स में आपको काफी नैरो बेजल्स देखने को मिलते हैं, तो इसकी वजह से काफी अच्छा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है, और मल्टीमीडिया अगर आप कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। वैसे चाहता तो मैं ये था कि CPU और परफॉर्मेंस वाला पार्ट जो मैं आपको लास्ट में बताऊं ताकि वीडियो के अंदर रिटेंशन जो है बनी रहे, लेकिन मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूं कि जब कोई गेमिंग लैपटॉप या फिर कोई हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप बाय करता है तो उसकी सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वो CPU और परफॉर्मेंस सेगमेंट में रहती है। तो आपके डिमांड पर इस सेगमेंट को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं, और इस सेगमेंट में हम परफॉर्मेंस के बारे में, अपग्रेड ऑप्शंस के बारे में, फैन एंड थर्मल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस लैपटॉप के अंदर आपको एक H सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम तो नॉर्मली यही सोचते हैं ना कि 11 जेन का प्रोसेसर है या 10 जेन का है या 12 जेन का है, लेकिन इनके अंदर भी आपको सीरीज देखने को मिलती है जैसे G सीरीज। अब 90% या 99% जितने भी आप लैपटॉप Amazon, Flipkart या किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखते हो तो वहां पर आपको G सीरीज के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे।
अब एच सीरीज का जो प्रोसेसर है वो स्लाइटली बेटर रहता है जी सीरीज के मुकाबले, और गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप्स के अंदर आपको नॉर्मली एच सीरीज का प्रोसेसर जो है देखने को मिलता है। सेम इस लैपटॉप के अंदर भी इंटेल कोर i7 का 11800H का प्रोसेसर है, जिसके अंदर आपको मैक्स टर्बो स्पीड 4.6 GHz तक की देखने को मिल जाती है। इस सीपीयू के अंदर आपको 8 कोर देखने को मिलते हैं और 16 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप नॉर्मल डे टू डे का टास्क कर रहे हैं तो वो भी बहुत इजीली हो जाएगा, और अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है तो भी वो बहुत इजीली हो जाएगी। अब इंटेल के इस प्लेटफॉर्म का एक फायदा जो आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है वो है ये कि यहाँ पर आपको PCIe Gen 4 का सपोर्ट देखने को मिलता है, थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और मेरा फेवरेट वाईफाई 6 जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी वजह से गेमिंग में आपको लेटेंसी ना के बराबर देखने को मिलती है। अब गेमिंग की बात कर ही लिए तो बिना डिले के मैं आपको गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर GTA 5 को प्ले किया और 1080p की सेटिंग्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको नॉर्मली 100+ FPS जो इजीली देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप हाई सेटिंग्स मतलब कि 440p पे आप गेम को खेलते हैं तब भी आपको इजीली 20+ FPS जो देखने को मिल जाते हैं। बाकी गेम प्ले स्मूथ था, उसमें मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। इस लैपटॉप पर मैंने फोर्टनाइट गेम को भी प्ले किया और 1080p के अंदर यहाँ पर भी 100+ FPS जो है वो इजीली मिल रहे थे। 440p की बात करूँ तो यहाँ पर 30+ FPS का स्कोर जो था, और इस गेम को मैंने ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के आसपास प्ले किया, और अच्छी बात यह है कि थर्मल्स जो है वो काफी सही काम कर रहे थे और किसी तरीके का मुझे हीटिंग इश्यूज लैपटॉप में देखने को नहीं मिला। बाकी डोटा 2 के अंदर 1080p के अंदर कहीं कहीं पर 250+ FPS तक हमें देखने को मिले, और 440p की मतलब हाई सेटिंग्स की बात करें तो वहां पर भी 60+ FPS जो है वो इजीली आ रहे थे। बाकी पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, ऑलमोस्ट सारे गेम हमने 1080p के अंदर इजीली यहां पर प्ले करे हैं, सभी के अंदर 60+ FPS भी हमें देखने को मिल रहा था। तो गेमिंग के अंदर तो हमें किसी तरीके का इशू यहां पर देखने को नहीं मिला। हाँ, जब हम स्ट्रीमिंग कर रहे थे उस टाइम पे FPS जो थोड़े से डाउन हो गए थे, और नॉर्मली ये सभी लैपटॉप्स के साथ या फिर इवन अगर आप डेस्कटॉप के अंदर भी जाते हैं तो जब आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं तो FPS थोड़े से डाउन हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको गेम शिफ्ट मोड देखने को मिलेगा, जब आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो आप गेम शिफ्ट मोड भी यूज कर सकते हैं। बाकी कोडिंग टेस्ट की अगर बात करें तो इस लैपटॉप के ऊपर पिछले 2 महीने के अंदर मैंने पर्सनली एक ई-कॉमर्स वेबसाइट भी डेवलप करी, और आपको दिखाने के लिए मैंने उसको शूट भी करके रखा, और यहाँ पर आप कोडिंग प्रोग्रामिंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए एक सही चॉइस हो सकता है, क्योंकि पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट हमने इसी लैपटॉप के ऊपर डेवलप करी, लॉन्च भी करी, और हमारा क्लाइंट जो है सेटिस्फाई भी है। तो अगर आपको कोडिंग का काम करना है, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप भी इस लैपटॉप के लिए जा सकते हैं, सिर्फ गेम के पर्पज से मत देखिएगा, ओवरऑल आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस लैपटॉप के अंदर मिल सकती है। बाकी 1080p की बात करूं या 4K वीडियो एडिटिंग की बात करूं वो भी आप इस लैपटॉप पे बहुत ही इजीली कर सकते हैं। बस 4K वीडियो जब आप इसमें एडिट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा मतलब लेयर्स थोड़ी सी कम लगाए, क्योंकि अल्टीमेटली भाई लैपटॉप ही है, 4K वीडियो को भी ये इजीली एडिट कर देता है, और 1080p तो भाई मक्खन है, उसको आप बहुत ही इजीली, जैसे आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं तो बहुत ही आसानी से ऐसी वीडियो जो है आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आप बेंचमार्क स्कोर्स की बात करते हैं तो वो भी हमने यहाँ पर किया है, 3DMark के अंदर जो ग्राफिक स्कोर्स है वो 5744 है, CPU स्कोर की बात करूँ तो वो 8660 रहा, वहीं पर ओवरऑल स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो वो भी 6000 से ऊपर जा रहा था। PC Mark 10 की बात करें तो वहां पर आपको 6635 का स्कोर देखने को मिलता है, और Cinebench R23 की बात करें तो सिंगल कोर के अंदर 1469 है, और मल्टी कोर के अंदर भी स्कोर आपके सामने ही है, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर हाई स्पीड SSD है तो रीड एंड राइट स्पीड भी काफी सही रही। एक चीज जिसकी मुझे शिकायत है इस लैपटॉप के अंदर, ब्रांड ने बोला है कि यहां पर 8 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। मुझे नहीं पता कि कौन से टेस्ट वो करते हैं जिसके अंदर उनको 8 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। यहाँ पर 2.5 घंटे मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज यूज़ के अंदर हमें 2.5 घंटे 3 घंटे कभी कभी तो 2 घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पे देखने को मिला। अगर हम वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहे, अगर हम कोडिंग नहीं कर रहे या फिर हम गेमिंग नहीं कर रहे तब तो 3-3.5 घंटे 4 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिला, लेकिन ट्रस्ट मी जहाँ पर हमने इसमें गेमिंग करी, एडिटिंग का काम करा, रेंडरिंग का काम करा उस टाइम पे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको आप अपने लगाइए पावर कोड के साथ और चार्जर वगैरह लगा के उसके बाद ही इसको इस्तेमाल कीजिएगा, अदरवाइज 1-1.5 घंटे के अंदर जो है बैटरी आपको अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर दिख जाएगी। कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक ऑरेंज बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है। मेरी उम्मीद ये थी कि यार यहाँ पर अगर डेल RGB कीबोर्ड दे देता तो गेमिंग का एक्सपीरियंस डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता। बाकी ट्रैकपैड की बात करें तो काफी स्मूथ है और आपको एक ओल्ड स्कूल टेक्टाइल फील देगा, मल्टी जेस्चर को भी काफी स्मूथली सपोर्ट करता है। अगर स्पीकर्स की क्वालिटी की बात करूं तो यहां पर आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, लेकिन मैं अगर स्पीकर्स की आवाज़ की बात करूं
तो वो मुझे एवरेज ही लगी, मैं इतनी अच्छी आवाज़ जो है वो नहीं बोल सकता। लेकिन जो 3.5 mm का जैक है उसकी आउटपुट जो है वो काफ़ी सही है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो हेडफोन लगा के कीजिएगा, आपको बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। लेकिन स्पीकर्स के अंदर डेफिनेटली डेल यहाँ पर इम्प्रूव कर सकता था, वहाँ पर आपको एवरेज साउंड की क्वालिटी जो है देखने को मिलेगी। और ये सेम चीज़ आपको वेबकैम के अंदर भी देखने को मिलती है। भाई डेल, अब आपको एटलीस्ट 1080p का वेबकैम देना स्टार्ट करना चाहिए। कोविड के टाइम में सभी लोग जो है ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, गेमिंग लैपटॉप है, अगर आप यहाँ पर स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं ना लाइव, तो आप इसके वेबकैम से तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आप अलग से एक बढ़िया वेबकैम या कैमरा लगा के ही स्ट्रीमिंग कीजिएगा। इसका वेबकैम एवरेज है, इतनी बढ़िया क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ऑनलाइन क्लास लेनी हो या मीटिंग करनी हो तो उसके लिए काम चला सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं अपने कंक्लूजन की बात करूं तो भाई यहाँ पर आपको लेटेस्ट इंटेल की कोर i7 11 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, ड्यूल चैनल की 16 GB की आपको यहाँ पर रैम देखने को मिल रही है, हाई स्पीड 512 GB की SSD है, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti का जबरदस्त GPU आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और डेल के इस लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है, या इवन अगर मैं बात करूँ आफ्टर सेल सर्विस की, डेल की अगर मैं बात करता हूँ तो आफ्टर सेल सर्विस भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और डेल एक ऐसा ब्रांड है जिसकी आफ्टर वारंटी भी अगर आपको किसी पार्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग है, जहां पर इंप्रूवमेंट हो सकती थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। वेब कैम मेरे ख्याल से और इम्प्रूव हो सकता था, एट द सेम टाइम जो स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर दिए गए हैं, मतलब स्पीकर्स की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो सकती थी, थोड़ा बहुत और बैटरी बैकअप देखने को मिलता। वैसे मैं समझ सकता हूं कि गेमिंग लैपटॉप के अंदर कम बैटरी बैकअप ही आपको देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था तो और अच्छी बात थी। लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर और बिल्ड के अंदर आपको कहीं पर भी शिकायत नहीं होने वाली है। अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप लेना चाहते हैं तो डेल के इस लैपटॉप के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी tech_vani। इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।